कौन चैप्टर चैप्टर करने जा रहा है नंबर क्या है वाउचर क्रिएशन वाउचर कैसे क्रिएट होता है ठीक है कि टैली में एंट्री कैसे होता है उसकी तैयारी हो रही है किसकी तैयारी हो रही है टैली में एंट्री किस तरीके से होता है तो हम लोग वाउचर क्रिएशन पहला टॉपिक कैसे सीखने जा रहे हैं वाउचर क्रिएशन सर वाउचर क्रिएशन मतलब हमारे टैली में ना जब हम कंपनी क्रिएट करेंगे तो ऑलरेडी पहले से कितने वाउचर वाउचर्स बने होते हैं ट्वेंटी फोर वाउचर्स वाउचर्स मतलब परचेज वाउचर सेल्स वाउचर पेमेंट कॉन्ट्रा जर्नल सर टोटल ट्वेंटी फोर वाउचर है रिजेक्शन इनवर्ड रिजेक्शन आउटवर्ड ऐसा करके टोटल कितने वाउचर्स हैं ट्वेंटी जैसे ने बताया परचेज वाउचर है सेल्स वाउचर्स है

पैसा रिसिफ्ट हो रहा है तो रिसिफ्ट रजिस्टर्स में पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट हो इसी तरीके से टोटल कितने रजिस्टर बने हैं सर ट्वेंटी फोर अब इसमें से मेहिका क्या चाहती है कि टैली में भी हम कई रजिस्टर बना दे वॉल्यूम वन का अलग रजिस्टर बना दे वॉल्यूम टू का अलग रजिस्टर बना दे थ्री का अलग तो बना सकते नहीं बना सकते तो बना सकते हैं उसी तरीके से अगर कोई बंदा बि、बिजनेसमैन चाहे कि हम परचेज स्टेट वाइज ऑल ओवर इंडिया से परचेज करता है वो चाहता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट का अलग रजिस्टर हो बिहार का अलग हो यूपी का अलग हो दिल्ली का अलग हो या सेल भी चाहता है तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग बनाना चाहता है तो हमें वाउचर्स क्रिएट करना पड़ता राइट right? और पहले से नॉर्मली 24 में हमारा काम हो जाता है लेकिन अगर रिक्वायर्ड हुई रिक्वायरमेंट हुआ अपने हिसाब से तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं उस वाउचर्स को क्रिएट करने के लिए सर कहां पे जाएंगे देखो दिस इज कॉल्ड पाथ ऑलरेडी आप लोगों को बताया था ये क्या बता रहा है पहले कहां जाना है जीओटी मतलब गेटवे ऑफ टैली फिर उसके बाद क्रिएट उसके बाद तो हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे हैं फिर कहां पे प्रेस करें क्रिएट पे फिर वाउचर अच्छा अगर देखना हो सर कि वाउचर कितने बने तो हम किस पे जाएंगे किसी भी चीज को देखने के लिए ऑल्टर गुड उसके बाद क्या हमने ये बनाया ये पहले से बना था सर ये पहले से बना हुआ है राइट right, देखो परचेज का कितना बना है एक है अगर हम चाहते हैं परचेज इन या परचेज फ्रॉम दिल्ली बनाए तो हम क्या करेंगे परचेज फ्रॉम दिल्ली परचेज फ्रॉम दिल्ली कौन से है परचेज राइट और इसके बाद कंट्रोल एक वाउचर्स बन गया सर सर कैसे इसका यूज कहा करेंगे जब हम लोग एंट्री करेंगे ना तो देखो परचेस की एंट्री करने के लिए क्या शॉर्टकट की लिखा हुआ है एफ नाइन वो नहीं दिख रहा है परचेस फ्रॉम दिल्ली वो अलग से नहीं दिखेगा आप किसके अंडर में बनाए हो परचेज के अंडर तो क्या प्रेस करेंगे हम लोग एफ नाइन एंड देन सेलेक्ट करेंगे पर... यहाँ देखो दोनों दिख रहा है परचेस परचेस फ्रॉम दिल्ली इस तरीके से जितने बनाओगे सब दिखेगा मान लो हम दिल्ली से परचेस कर रहे हैं तो परचेज फ्रॉम दिल्ली बात समझ में ठीक है समझ गए क्लियर है तो इस तरीके से हम वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं सर इससे बेनिफिट क्या होगा आप दिल्ली वाले परचेज करने का अलग रजिस्टर बन जाएगा आपका बॉस बोलेगा भाई दिल्ली का जितने परचेज है एक जगह दो हमें प्रिंट करके तो हम क्या जाएंगे दिल्ली के परचेज रजिस्टर में जाएंगे कैसे सर कहां पे वो रजिस्टर दिखेगा हमको यहां पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट अकाउंट बुक्स और यहां परचेज रजिस्टर ठीक है परचेज रजिस्टर दिखेगा जैसे यहाँ केवल परचेज रजिस्टर क्योंकि एंट्री भी हमने पास नहीं किया तो एंट्री कर पास करने के बाद आप देखोगे तो आप कर ही देते हैं ज्यादा क्लियर होगा कहाँ पे जाए हम लोग सर एंट्री पास करने के लिए कहा जाते हैं हालांकि ये सिखाऊंगा आपको वाउचर्स पे जाते हैं परचेज फ्रॉम दिल्ली में लेते हैं सर किससे परचेज कर रहे हैं बालाजी कंस्ट्रक्शन से अभी टेंशन मतलब ना ये सब चीज सिखाऊंगा परचेज अकाउंट कंट्रोल क्या चीज परचेज कर रहे हैं कंप्यूटर पीस, पीस क्या रेट से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये सब चीज सिखाऊंगा अभी टेंशन लेने का नहीं राइट ये एक एंट्री हमने इसमें कर लिया और परचेज में एंट्री हो रखी है कि नहीं करके एक एंट्री हम लोग किसमें कर लेते हैं नॉर्मल वाले में कर लेते हैं किसमें कर लेते हैं नॉर्मल वाले में नॉर्मल नॉर्मल मान लो यहाँ बीस पीस नॉर्मल परचेज कर लिए समझ गए एक एंट्री किस रजिस्टर में किया परचेज में और एक एंट्री परचेज फ्रॉम दिल्ली में अब जाके देखते हैं सर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स अकाउंट बुक्स और परचेज रजिस्टर्स राइट अप्रैल परचेज रजिस्टर हो गया अप्रैल अब यहां पे F4 करना क्या करना F4 दिख रहा है वाउचर टाइप से एफ का दिख रहा है तो यहां क्या सेलेक्ट कर लेना परचेज फ्रॉम दिल्ली तो केवल और केवल कौन सा दिखेगा सर ये तीन लाख वाली एंट्री केवल एक दिखेगा परचेज फ्रॉम दिल्ली और इसको हम क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे आ रही बात समझ में ठीक है नॉर्मली अभी कितनी दिख रही है सर ये दो दिख रही है हमें कौन सा चाहिए केवल परचेज फ्रॉम एफ फोर प्रेस करेंगे देखो ये बोल रहा है क्या सारे परचेजेज चाहिए क्या ऑल परचेज क्या दिल्ली का परचेज केवल चाहिए या दिल्ली के अलावा जो नॉर्मल परचेज वो वाला चाहिए आपको जो सेलेक्ट करना है दिल्ली वाला सेलेक्ट करना है तो केवल क्या दिखेगा दिल्ली कंट्रोल पी मारिए और सारे एंट्री को प्रिंट मार लीजिए दिल्ली परचेज वाला आ रही बात क्लियर है वा सबको दूसरा डेट एंड अकाउंटिंग पीरियड क्या आता है डेट एंड अकाउंटिंग पीरियड सर ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज है मतलब बहुत बार है तो बहुत इजी चीज लेकिन आप लोग कंफ्यूज होते हो एंट्री के टाइम बोलोगे कई बार आप लोग ही बोलोगे सर ये डेट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये एंट्री दिख बनाए हैं लेकिन एंट्री नहीं दिख रहा राइट इसके बारे में थोड़ा सा चीजें आपको समझा बहुत ध्यान से समझिए समझिएगा चीजों को तीन है तीन दिख रहे हैं वन टू थ्री ठीक है एक होता है आपका ये है डेट ये क्या है डेट ये क्या है अकाउंटिंग पीरियड क्या बोलते हैं इसको अकाउंटिंग पीरियड और इसको बोलते हैं बुक्स बिगिनिंग फॉर बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डेट right. के लिए क्या प्रेस करते हैं f2 बटन क्या प्रेस करते हैं f2 अकाउंटिंग पीरियड के लिए क्या प्रेस करते हैं alt प्लस और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम कहां दिखता है जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम दिखता है एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम दिखता है तो so ये कब दिखेगा सर कंपनी क्रिएशन के टाइम पहले आप लोग को दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ दिखता है फिर उसके बाद समझाता हूँ जब हमको एंट्री एंट्री करनी होती है तो कौन से डेट की एंट्री करनी है तो उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे F2 करके डेट डाल सकते हैं राइट ऑल्ट करेंगे तो ये अकाउंटिंग पीरियड दिखता है क्या दिखता है ये अकाउंटिंग पीरियड और जब हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं क्रिएट कंपनी तो यहां पे अगर आप लोग तो ध्यान दिए हो बुक्स okay? बिगिनिंग ये क्या है सर आपको दिख रहा है डेट किस अकाउंटिंग पीरियड के बीच में एंट्री कर सकते हैं डेट किसके अंडर में है अकाउंटिंग अगर आपने अकाउंटिंग पीरियड तेईस चौबीस सेलेक्ट किया मतलब एक अप्रैल दो हजार तेईस से इकतीस मार्च दो हजार चौबीस जैसे मैं यहां पे सेट करता हूं मैं ऑल्ट एफ टू किया ये सेट क्या है एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तो अगर मैं कोई भी डेट की एंट्री कर पाऊंगा तो कौन सी डेट की एंट्री कर पाऊंगा सर एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच की ही एंट्री कर पाऊंगा ना तो उसके पहले ना उसके बाद राइट सर कैसे दिक्कत क्या हो जाएगा अगर आप करोगे तो देखो ये तेईस चौबीस है मैं एफ करके एक अप्रैल दो कर देता हूं एरर चालू हो गया सर क्या बोल रहा है उप डेट कैन नॉट बी बिलो द करेंटरियड राइट और ये किसके अंडर में है अकाउंटिंग पीरियड किसके अंडर में बुक्स फ्रॉम जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम आपने टैली को बता दिया भाई मैं बुक्स स्टार्ट कर रहा हूं एक अप्रैल 2023 हजार तेईस से तो उसका अकाउंटिंग जब आप काम ही एक अप्रैल 2023 से स्टार्ट कर रहे हो तो क्या उसके पहले आपको डेट वो लेने देगा नहीं

समझ के बाद आप कंपनी क्रिएट करते समय क्या कमांड दे दिए कि हम बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं एक अप्रैल 2023 को और आप अकाउंटिंग पीरियड एक अप्रैल 2020 का ले रहे हो डेट एक अप्रैल 2020 की सेलेक्ट कर रहे हो आपको एरर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा तो दिखाएगा एरर सारी बात समझ में एंट्री नहीं हो पाएगा क्लियर है आप लोग को तो ये डेट में कंफ्यूजन नहीं होना है बहुत बार आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये डेट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये डेट ले नहीं रहा है एंट्री सेव नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है सर क्योंकि आपने ऑल्ट एफ टू गड़बड़ लेके रखा है ठीक तो अगर आपको 21 बाईस में एंट्री करनी है या हाँ 21 बाईस में तो हम इसको एक अप्रैल दो से मार्च दो करेंगे ठीक है पूरा लिख देता हूँ तो हम एक अप्रैल दो हजार एक टू करके एक दो अप्रैल 2021 ले सर अभी एरर दिखाया क्या नहीं दिखाया लेकिन जब हम लोग एंट्री सेव करेंगे ना तो फिर एरर दिखाना चालू होगा सर क्यों? से एक अप्रैल दो हजार तेईस है अगर आपकी इच्छा है आप जिद पे अटक चुके हो जिद पकड़ लियो कि नहीं हम एक इक्कीस में ही करेंगे तो पहले उसको चेंज करना पड़ेगा कंपनी क्रिएशन को क्या करना होगा बुक्स बिगनिंग फ्रॉम को एक अप्रैल 2021 करना ठीक है समझ में आ गया गेम ऑफ द अकाउंटिंग डेट एंड अकाउंटिंग पीरियड क्लियर है सबको ओके okay. और एक आता है सर डेट इन एजुकेशन मोड ऑफ टैली ये भी बड़ा आप लोग कंफ्यूज करते हो जैसे आप यहां किए यहां लिखे दस अप्रैल दो और फिर ऐसे एंटर करते हो बोलते हो सर की काम नहीं कर रहा yes, ये क्योंकि ये फ्री वाला है क्या है फ्री में फ्री की सुविधाएं मिलती है बहुत तो से कंप्यूटर क्लास क्या चलते हैं निशुल्क चलते हैं पांच सौ रुपए महीने सौ रुपए तो उसमें भी सुविधाएं क्या है उसी लेवल की आपको पूरे डेट की एंट्री करना क्या करना होगा लाइसेंस वर्जन पेमेंट करके खरीदना होगा इसका वर्जन आप लोग तो देखते हो ना कोई भी सॉफ्टवेयर ऐप यूज करते हो तो एक प्रो वर्जन रहता है क्या रहता है प्रो वर्जन और एक क्या रहता है फ्री वर्जन आ रही बात समझ में तो इसमें फ्री वर्जन एजुकेशनल मोड मतलब फ्री वर्जन इसमें कौन सा डेट की एंट्री कर पाएंगे एक तारीख दो तारीख और जिस महीने में थर्टी फर्स्ट डे होता है उसमें लास्ट डे ठीक है जैसे मैं एक अप्रैल करूंगा तो ये एंट्री हो जाएगा सारी बात समझ में दो करूंगा हो जाएगा तीन करूंगा हो, हो सकता है मंथ थोड़ी चेंज कर देते हैं इसलिए आपके बुक्स में जितने भी प्रोजेक्ट क्वेश्चन बने वो किस डेट को बने हैं देखना एक दो या किसी महीने के लास्ट आपने वॉल्यूम टू की एंट्री की है ना ठीक है तो दिस इज द रूल्स ऑन डेट ऑफ अकाउंटिंग सॉरी डेट इन एजुकेशनल मोड ऑफ वैली एंड रूल्स फॉर डेट एंड अकाउंटिंग पीरियड ये आपको इसी में कवर करा दिया जैसे डेट एफ से अकाउंटिंग पीरियड ऑल प्लस एफ टू से और इसके रूल्स को भी आपको हमने बता दिया ठीक है अब आता है सर फीचर्स क्या आता है फीचर्स और एक उसके नीचे है कन्फिग्रेशन क्या है? फीचर्स फीचर्स तो फीचर्स क्या होता है फीचर्स पूरे टैली का फीचर्स मतलब समझते हो ना जैसे तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसमें बताया था ना इस प्रोडक्ट में ये ये फीचर्स है मोबाइल खरीदते हो उसमें फीचर्स बताए जाते हैं तो पूरे टेली में जो अकाउंटिंग करने के जो फीचर्स हैं वो कहा दे रखे हैं सर एफ इलेवन में दे रखे हैं कहां दे रखे हैं सर तो कौन कौन से हैं एक अकाउंटिंग से रिलेटेड है फीचर एक इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से रिलेटेड है एक टैक्सेशन से रिलेटेड एक ऑनलाइन एक्सेस से रिलेटेड एक पे रोल से रिलेटेड और कुछ अदर्स ठीक है और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन जो कि हमेशा दिए रहते हैं सर एफ ट्वेल्व के बटन से कॉन्फ़िगरेशन सर क्या अंतर है दोनों में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पर्टिकुलर स्क्रीन का होता है जो आप स्क्रीन ओपन कर रहोगे जैसे ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन क्या है दल बदलू सरकार है अभी के साथ खड़ा है तो किसका कॉन्फ़िगरेशन बताने लगेगा परचेज का और पेमेंट के साथ अगर खड़ा है तो किसका बताने लगेगा पेमेंट का ये पर्टिकुलर स्क्रीन का होता है लेकिन फीचर्स जो है वो क्या है रहोगे तो भी स्क्रीन जैसे मैं अगर यहां F7 करूं, F12 करूं, तो ये कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा सर जनरल का कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा सारी बात समझ में सर, चेंज तो हमें दिख नहीं रहा अच्छा देखो ठीक है यहाँ पे आप देखो उसके बाद अगर मैं इसको कॉन्ट्रा कर दू एफ फोर अगर हम देखूंगा तो ये क्या वही दिख रहे हैं स्क्रीन नो सर चेंज लेकिन एफ इलेवन सेम दिखेगा सर कहीं पे भी आप खड़े होके ठीक है कहीं पे भी खड़े होके आप वो करो जैसे मैं यहां कर रहा हूं डे बुक में एफ टूवेल्व तो ये किससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है डे बुक से है लेकिन एफ इलेवन करूंगा अगर इससे बाहर निकल के तो सर कहीं पे भी करिए आपको सेम स्क्रीन तो sir, ये सर ये सब रटना पड़ेगा क्या एफ इलेवन एफ एक ऑप्शन रखना पड़ेगा आंसर इज नो प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है कॉमन सेंस यूज करना अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा तो सबसे पहले कहां पे क्लिक करना है एफ टूल्वर ये नहीं कहना है कि ये हमारा टैली जैसे एक बच्चा सर हम टैली अपना डिलीट कर दिए उसमें बहुत सा ऑप्शन दिख नहीं रहा था और यहाँ आके करते तो सब ऑप्शन दिखता है घर पे करते तो दिखता ही नहीं मुझे अपना वाला टैली दे दीजिए मतलब मेरा वाला तुम्हारा वाला सब टैली एक ही है राइट right, दिक्कत क्या है कि तुम्हारे एफ में बहुत से ऑप्शन क्या है नो no हैं आरी तो आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, तो क्या प्रेस करना है एफ F12. F12 से जब बात नहीं बनी तो यहां एक और ऑप्शन देता है मोर डिटेल्स कौन सा ऑप्शन देता है मोर डिटेल्स जैसे बोलते हो ना मोर रायपुर वही वाला है मोर मोर डिटेल मोर हवे ठीक है ये मोर वाला मोर नहीं है भाई ये कौन सा है ज्यादा दा, वाला मतलब इसके अलावा डिटेल्स मोर मतलब क्या होता है छत्तीसगढ़ के हिसाब से मेरा मुझे ये लाइन बड़े दिन बाद समझ में आई थी मैं तो छत्तीसगढ़ में उल्टा समझ गया था कि मोर लग रहा है यहाँ की जो है बताया था आप लोग को राज्य की पक्षी वच्छी है इतना मोर या मोर को लेके कुछ है? क्या है ये थोड़ा सा छत्तीसगढ़ क्या था पिछड़ा वर्ग था सर मुझे लगा थोड़ा आदिवासी हो सकता है मोर और को बहुत ज्यादा यहाँ तो बाद में पता चला जब मैं पार्किंग में मैं बोला भैया ये गाड़ी थोड़ा साइड कर लो अपनी गाड़ी हटानी है है ना आ नहीं मैं बोला ये गाड़ी किसकी है मुझे हटानी है मेरे पीछे है। बोला मोर हवे तब हम यार मोर यहाँ भी आया है <laughs> तब मुझे बाद में समझ में आया अच्छा मोर मतलब मेरा हवे मतलब मेरा है हरी बात समझ में तो ये मोर हवे वाला मोर नहीं है भाई ये क्या है अधिक वाला तो यहां देख लो मोर डिटेल अगर इससे भी बात नहीं बनी तो इसका मतलब वो चीजें कहां पे क्लोज है फीचर में जाके क्लोज कहा जरूरत है फीचर. और इसको क्या नहीं इसमें कॉमन है जैसे कि आप गोडाउन से स्टॉक से रिलेटेड कोई सेटिंग करना चाह रहे हो तो आपका दिमाग कहां होना चाहिए इन्वेंटरी में अकाउंट से रिलेटेड चीजें अकाउंट में टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें कर रहे टैक्सेशन सारी बात समझ हैं आज आए नहीं पेरोल एक सैलरी की एंट्री करने का एक सिस्टम सिस्टमैटिक वे है जहां पे सैलरी के साथ साथ डी एन एलाउंसेस भी मिलता है परक्यूज भी मिलता है पी एफ भी अप्लाई है ई एस आई है ये सारी चीजें तो वो एंट्री किसके माध्यम से होती है पेरोल के क्लियर है फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस कॉन्फ़िगरेशन इज मेड फॉर पर्टिकुलर स्क्रीन ठीक है चलिए कल से हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि टैली में तो टैली में करना क्या है एंट्री तो करना है अभी आप लोग मैनुअली एंट्री उसको करना है टैली, टैली में करना है तो कल से हम लोग सीखेंगे हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टैली जिसमें आपकी मदद ये सब छोटे छोटे जो चैप्टर दो तीन किए हैं ये आपकी मदद करेंगे उस चैप्टर को समझने में क्लियर है सबको